वहीं बर्सर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने ऐसे चुनावों और कॉलेज की मांगों को लेकर कॉलेज में भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें छात्रों ने बताया कि कॉलेज में पानी की व्यवस्था सही नहीं है। कॉलेज में बाहरी तत्वों का आना जाना लगा रहता है, जिस कारण कॉलेज में लड़कियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कॉलेज के चारों ओर चार दीवारें लगाई जाए ताकि बाहरी तत्व कॉलेज प्रवेश न कर सके। इसके अतिरिक्त ऐसे चुनावों को प्रदेश सरकार जल्द से जल्द शुरू करे। इन सब मांगों को लेकर छात्रों ने कॉलेज में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बर्सर कॉलेज के अध्यक्ष राहुल ठाकुर का कहना है कि हड़ताल करने का मुख्य उद्देश्य कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। नमस्कार जी, वंदे मातरम। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष हूँ बर्सर कॉलेज से। हमारी आज कल हमने हड़ताल शुरू की थी, जो कि आज हम 12 बजे समाप्त कर रहे हैं। ये हड़ताल हमारी कॉलेज की कुछ मांगों के लिए थी, और दूसरी हमारी सबसे बड़ी जो मांग थी वो थी चुनाव बहाल किए जाएं, क्योंकि हमारे कॉलेज में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉलेज प्रशासन उनको करने में असमर्थ है। हमारे कॉलेज में कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम किए जा रहे हैं कि स्टाफ हमारा पूरा नहीं है। खेल मैदान का अभी तक कहाँ है, कॉलेज प्रशासन क्या देख रहे हैं? हम प्रिंसिपल मैम के पास जाते हैं तो वो हमें आश्वासन देकर फिर से वापस भेज देते हैं कि हमने बात की हुई है ऊपर, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम बस यही सुनते आ रहे हैं। आज ये टाइम आ गया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भूख हड़ताल से बैठना पड़ रहा है। अगर हमारी मांगें अगर पूरी नहीं की जाती हैं, तो पिछले साल भी हमने 30 मार्च को शिमला में प्रदेश सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी रैली निकाली थी। अगर ये सरकार जो अभी है प्रेजेंट में, अगर वो हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, तो उनके खिलाफ भी हम एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करेंगे, जिससे सरकार को हमारे लिए हमारी मांगें पूरी करना पड़ेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्य अंकिता का कहना है कि कॉलेज में रिक्त पदों को जल्द भरा जाए और कॉलेज में चार दीवारें लगाई जाए ताकि कॉलेज में बाहरी तत्व प्रवेश ना कर सकें। हम कल से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसका मेन लक्ष्य मेन मोटिव है कि कॉलेज में स्टाफ के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, पानी की व्यवस्था बिल्कुल सही की जाए। आउटसाइडर की बहुत दिक्कत है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि गेट के पास एक पुलिसकर्मी तैनात किया जाए, खेल के मैदान का निर्माण भी किया जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम इसी तरह हड़ताल पे रहेंगे। उधर कॉलेज प्रधानाचार्य मीना सूद का कहना है कि कॉलेज की चारदीवारी के लिए 14 लाख रुपए मंजूर हो चुके हैं, जल्द ही चारदीवारी का काम शुरू कर दिया जाएगा तथा जल्द ही पानी की व्यवस्था को भी ठीक कर दिया जाएगा। और के लिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि रूसा से हमें 40 लाख का हमने एस्टिमेट दिया था, तो वो अप्रूवल आ गई थी, और बाउंड्री वॉल के लिए हमने 27 लाख हिमुडा को जमा करवा दिए हुए हैं, और उनका काम भी तब शुरू होगा। उन्होंने कहा हमारा टेंडर वगैरह सब कुछ हो चुका हुआ है। साथ में ही उन्होंने ये कहा कि तहसीलदार वगैरह से वो लेनी है बाउंड्री वॉल की डिमार्केशन वगैरह के, तो वो सारा हमने सारा प्रोसेस कर दिया हुआ है। जैसे ही तहसीलदार वगैरह की कमेटी आएगी वो विजिट करेगी और ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ये अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो ये कहते हैं उसका रेनी डेज के बाद हम शुरू कर दें 10 दिन के अंदर। यही हमें बताया।